नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है vampirehub.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त अनुराग। दोस्तों, हमारी कोशिश सदा से यही रहती है कि हम आपके लिए सबसे पहले सरकारी नौकरियों की जानकारी लाएं, साथ में आपको फॉर्म फिलअप भी सिखाएं। तो आज भी हम लेकर आए हैं दोस्तों, आज हम जिस वैकेंसी की बात कर रहे हैं वो निकली है कोरिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिपार्टमेंट में। हाल में ही कोरिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 46 स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट के पद के लिए अधिसूचना प्रकाशित की है। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर पोस्ट का नाम है स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट, एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएट डिग्री, जॉब लोकेशन है कोरिया छत्तीसगढ़, लास्ट डेट टू अप्लाई है 15 दिसंबर 2017, वहीं एज लिमिट मांगी गई है 18 से 40 साल के बीच और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ecourts.gov.in। दोस्तों, अगर वैकेंसी डिटेल्स की बात करूं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 46 है। स्टेनोग्राफर के लिए 12 पद हैं, वहीं असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 34 पद हैं। यहाँ पर एडुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है दोनों पदों के लिए, ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, साथ ही आपको जानकारी होना चाहिए स्टेनोग्राफर के बारे में और उसकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर सैलरी जो आपको दिया जाएगा वह 5,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक, साथ ही आपको ग्रेड पे मिलने वाला है 1900 से 2800 रुपये तक। दोस्तों, यहाँ पर एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 18 से 40 साल के बीच और इसका एज रेफरेंस है 1 जनवरी 2017। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो आपको ट्रेड टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट पे बेस्ड है। दोस्तों, तो अब सवाल उठता है कि आप इस फॉर्म के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमारे वेबसाइट पे आना है, इसके सारे डिटेल्स को पढ़ना है। उसके बाद आपको क्लिक हेयर फॉर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर आपको ओपन करना है और इसके सारे डिटेल्स यानी कि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों, आपको इसी PDF में एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। आप इसको फिलअप करें, उसके बाद PDF में ही दिए गए यानी कि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही दिए गए एड्रेस पे आप भेज दें इसे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई है, कोई कन्फ्यूज़न है अभी भी, तो आप कमेंट करें और जाते जाते अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें हमारे इस वीडियो को और उन्हें भी इस वैकेंसी के बारे में बता दें। साथ ही लाइक कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी और फॉर्म फिलअप के ट्यूटोरियल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।